छह न्यूज लाइन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं बॉलीवुड की खास खबर। भाजपा के लिए प्रचार करते दिखे अनिल कपूर। इन दिनों देश में चुनावी माहौल गर्म है, राजनीतिक पार्टियां प्रचार में व्यस्त हैं। महज कुछ ही दिन बचे हैं चुनाव परिणाम आने के लिए। इस बीच लोकसभा चुनाव 2019 का और एक मतदान का चरण बाकी है। इस दौरान सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें अनिल कपूर भाजपा लोगों से वोट देने की अपील करते नजर आ रहे हैं। दरअसल इस वीडियो में अनिल कपूर किरण खैर के लिए वोट मांगते नजर आ रहे हैं। वीडियो अनिल कपूर किरण को अपना दोस्त कह रहे हैं। अनिल बोल रहे हैं कि चंडीगढ़ के लोगों के लिए अच्छे MP और कोई हो ही नहीं सकता। किरण ने 5 साल वहाँ बहुत अच्छा काम किया है, एक बार फिर वह चुनाव मैदान में उतरी है। आप सभी लोगों से अपील है कि इस चुनाव में भी किरण से ज्यादा वोट करें। यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि किरण खैर दोबारा चंडीगढ़ से भाजपा उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रही है। जीत का विश्वास जताते हुए हाल ही में खैर ने कहा था कि मेरी छवि साफ है, वही दूसरों की और पूरे देश को उनकी छवि के बारे में पता है। यह मेरा शहर मेरा घर है, मैंने यहाँ बहुत काम किया है। मैं मुखर सांसद रही, मैंने 5 साल से फिल्मों में काम नहीं किया। तो क्या करण जौहर के शो में अनन्या पांडे ने बोला था बड़ा झूठ, दोस्तों ने किया खुलासा। अनन्या की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 हाल ही में रिलीज हुई। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म अच्छी खासी बिजनेस कर रही है। इस बीच अनन्या पांडे सुर्खियों में बनी हुई है। इस फिल्म में अनन्या के साथ टाइगर श्रॉफ और तारा सुतारिया भी है। यह एक फुल कॉलेज ड्रामा फिल्म है। इस दौरान अनन्या से जुड़ी एक खबर सामने आ रही है। हालांकि अनन्या स्टूडेंट ऑफ द 2 से बॉलीवुड में डेब्यू करने से पहले करण जौहर के फेमस शो कॉफी विद करण सीजन 6 में आई थी। शो के दौरान करण ने अनन्या से सवाल किया था कि आप अभी बहुत छोटी हैं और आगे की पढ़ाई के लिए क्या प्लान किया है। इस पर अनन्या ने जवाब दिया था कि मैं आगे की पढ़ाई के लिए लॉस एंजल यूनिवर्सिटी जाने वाली थी, लेकिन फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 साइन करने की वजह से नहीं जा पाई। वही अनन्या की पढ़ाई को लेकर इनकी स्कूलमेट्स ने कुछ और ही बयां किया है। अंग्रेजी वेबसाइट कोई मुई में छपी जानकारी के अनुसार अनन्या पढ़ाई में कमजोर थी, इसलिए उनका किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन नहीं हुआ। आगे उनके स्कूलमेट बताते हैं कि स्कूल के नियम के मुताबिक हर बच्चे के लिए एक काउंसलर नियुक्त किया जाता है, जो स्टूडेंट को बताता है कि किस कॉलेज में आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अनन्या के लिए कोई भी काउंसलर नियुक्त नहीं किया गया था, क्योंकि वह स्कूल के आखिरी दिनों में कहती थी कि वह एक्टिंग में जाएगी या कुछ सालों का ब्रेक लेगी। लेकिन अचानक से मार्च महीने में हर तरफ यह खबर फैलने लगी कि वह आगे की पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ। यह खबर को सुनकर अनन्या के स्कूलमेट्स ने कई बार स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 एक्ट्रेस अनन्या को बोला भी कॉलेज एक्सेप्टेशन लेटर दिखाने को, लेकिन अनन्या ने बोला लेटर खो गया है। स्कूलमेट्स के रिएक्शन पर अनन्या पांडे ने मुंबई मिरर को बताया कि मेरी फिल्म के रिलीज होते ही लोगों ने यह सब बकवास बातें फैला रहे हैं, मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता, आखिर लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। कंगना ने लगाए थे मारपीट और शोषण के आरोप। आदित्य पंचोली ने एक्ट्रेस के खिलाफ की FIR दर्ज। किसी समय रिलेशनशिप में रहे कंगना रनावत और आदित्य पंचोली के बीच की दुश्मनी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। अब तक दोनों एक दूसरे पर कई आरोप प्रत्यारोप लगा चुके हैं। बीते दिन कंगना ने आदित्य के खिलाफ शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। अब आदित्य ने कंगना के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया है। आदित्य ने कहा है कि कंगना उन्हें रेप केस में फंसाना चाहती है। आदित्य ने कंगना के खिलाफ रविवार को मुंबई के वसा रेवा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने सबूत के तौर पर वीडियो और फोन की रिकॉर्डिंग भी जमा कराई है। आदित्य ने कहा, मैंने कंगना के खिलाफ मानहानि का केस पहले ही दर्ज कराया है। इस साल 6 जनवरी को कंगना के वकील ने मुझे धमकी दी थी, अगर मैंने मानहानि का केस वापस नहीं लिया तो वह मेरे खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज कराएगी, वह मेरे खिलाफ साजिश कर रही है। मुझे हैरानी हुई जब पिछली 25 अप्रैल को अचानक वसूरवा पुलिस मेरे घर पर एक नोटिस के साथ पहुंची। कंगना ने भी किया मुकदमा
आदित्य द्वारा कंगना के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने से पहले कंगना की बहन रंगोली चंदेल ने आदित्य के खिलाफ भी FIR करवाई। इसमें उन्होंने आदित्य के खिलाफ मारपीट और शोषण का आरोप लगाया है। हालांकि कंगना और आदित्य के बीच यह मामला करीब 13 साल पुराना है। उन दिनों कंगना बॉलीवुड में नई नई आई थी। कंगना ने आरोप लगाया था कि आदित्य ने उन्हें एक घर में कैद कर लिया था। यही नहीं, उनका यौन उत्पीड़न तथा शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ना भी की गई, जिससे छुटकारा पाने के लिए वह घर की पहली मंजिल से कूदकर भाग गई थी। उन्होंने दावा किया था कि इस मामले से आदित्य पंचोली की पत्नी जरीना वाहन भी अवगत है। जांच में जुटी पुलिस इस मामले की छानबीन वसा रेवा पुलिस कर रही है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का कहना है कि दोनों पार्टी के बयान दर्ज करने और मामले की पूछताछ करने के बाद आगे की कार्यवाही के बारे में फैसला किया जाएगा। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। धन्यवाद।